अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैर से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, फिट एंड फाइन। तो ये वीक की जो स्पेशल रेसिपी थी वो थी चॉकलेट ब्रेड बाइट। तो ये जो ब्रेड है, आपको एवरी बाइट में चॉकलेट का सरप्राइज मिलेगा। तो ये ब्रेड को जो है हम मिनी बंस की तरह बनाते हैं और हर बंस के अंदर हम चॉकलेट की फिलिंग्स करते हैं। तो चॉकलेट की फिलिंग्स जो है वो आपके ऊपर है, आप जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। अगर वाइट चॉकलेट है तो उसकी फिलिंग डालिए, नहीं तो मिल्क चॉकलेट की डालिए। और ब्लैक चॉकलेट जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है इस बन में। तो ये बहुत ही सिंपल है, इररेसिस्टिबल है और बहुत ही टेस्टी है। मिनटों में ख़त्म होने वाली ये ब्रेड है। तो चलिए देखते हैं चॉकलेट ब्रेड बाइट को कैसे बनाते हैं। चॉकलेट ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए पहले हम ईस्ट को फुलाएंगे। तो उसके लिए हम ईस्ट लेंगे 1.5 टीस्पून, उसमें हम शुगर डालेंगे 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून वार्म वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट रख देंगे फूलने के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रखिए, 1 घंटा 2 घंटा। अगर आप पूरी रात ईस्ट को रख सकते हैं तो पूरी रात रखिए। इससे ब्रेड मैं गारंटी देती हूँ आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। जब ईस्ट अच्छी तरह फूल जाए तो इसके अंदर हम 2.5 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर छान के डालेंगे। फिर हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। फिर हम इसके अंदर बटर डालेंगे, रूम टेम्परेचर का जो बटर होता है वो डालेंगे, 3 आउंस या 1/2 कप से थोड़ा कम। इन सबको फिर हम अपने हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे, अपने हाथों की मदद से। तो आपको इतना मिक्स करना है कि जो मैदा है वो क्रम्बल के शेप में आ जाए। जब बटर और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके अंदर 2 अंडा डालेंगे और थोड़ा सा अंडा अराउंड 1 टेबलस्पून हम बचा लेंगे एग वॉश के लिए। फिर हम इसके अंदर दूध डालेंगे, वार्म मिल्क 1/4 कप। फिर इन सबको हम अच्छी तरीके से अपने हाथ के मदद से गूंदेंगे। आपको इतना गूंदना है बहुत अच्छी तरीके से, अराउंड 10 to 15 मिनट्स आपको इसे गूंदना है। तो ये हम हमारा जो आटा है गूंदने के बाद सॉफ्ट होना चाहिए। जब आटा गूंद जाए अच्छी तरीके से तो ये ध्यान रखना है कि जो आटा है गूंदने के बाद मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट गूंदा हुआ होना चाहिए। फिर हम बाउल को ग्रीस करेंगे तेल से और फिर इसके अंदर हम आटे को डाल देंगे, डो को डाल देंगे फूलने के लिए। हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। जब डो फूल जाए 1 घंटे के बाद तो हम इसे पंच डाउन करेंगे और फिर दोबारा हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंदेंगे और पटकेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो बाहर निकल आए। अब जिस पैन में आप बेक करेंगे उसमें आप बटर पेपर लगा लेंगे अच्छी तरीके से और फिर अपने हाथ में छोटा सा डो लीजिए और उसके अंदर आप चॉकलेट की फिलिंग करिए। डो को अपने हाथों में पहले स्प्रेड करिए, फिर उसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग करिए। मेरे पास 3 तरह की चॉकलेट थे तो मैंने 3 तरह की चॉकलेट डाला। ब्लैक चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है एंड देन वाइट चॉकलेट भी मैंने डाला है। तो इस तरह हम फिलिंग करके फिर हम उसको रोल करके बन का शेप देंगे और फिर हम ट्रे में रखते जाएंगे। हमें मिनी बंस बनाना है तो हम छोटे छोटे डो का लेंगे, हम छोटे छोटे डो लेंगे और अपने फिंगर्स की मदद से उसे स्प्रेड करेंगे और उसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग करके हम बन का शेप दे देंगे। हम बन के ऊपर एग वॉश करेंगे, तो हम एग वॉश को रेडी करेंगे। एग वॉश को हम रेडी करने के लिए हमने जो 1 टेबलस्पून एग बचाया था वो लेंगे, उसके अंदर हम बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून, फिर उसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और फिर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके बंस के ऊपर हम एग वॉश कर देंगे। बंस को एग वॉश करने के बाद हम इसे बेक करेंगे। ओवन प्री हीटेड होना चाहिए, तो हम इसे बेक करेंगे 190 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। थोड़ा सा डो बच गया था तो मैंने सोचा इसका नोटेला ब्रेड बनाते हैं। तो नोटेला ब्रेड बनाने के लिए मैंने डो को पतला सा बेल लिया। पतला सा बेलने के बाद रेक्टेंगुलर शेप में मैंने पतला सा बेल लिया। फिर मैंने इसके ऊपर पूरा नोटेला जो है वो मैंने लगा दिया। पूरा नोटेला जो है मैंने डो के ऊपर स्प्रेड कर दिया और फिर मैंने साइड से रोल कर दिया। साइड से रोल करने के बाद मैंने डो की कटिंग की, बीच से मैंने डो को कट कर दिया। स्टार्टिंग का थोड़ा छोड़ के 1 इंच मैंने बीच से कट कर दिया और फिर वो दोनों को मैंने ट्विस्ट का शेप दे के इस तरह ट्विस्ट किया। दोनों जो डो कटिंग जो थी डो की, दोनों को मैंने ऐसे ट्विस्ट करने के बाद राउंड करके मैंने इसे फ्लावर का शेप दे दिया। फ्लावर का शेप देने के बाद फिर मैंने इसको बेक कर दिया मिनी बंस के साथ। मैंने इसे सेम टेम्परेचर पे 15 टू 20 मिनट्स मैंने इसे बेक कर दिया। चॉकलेट ब्रेड बाइट्स इज़ रेडी। तो फिर मैंने इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दिया। स्कूल के टिफ़िन में बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया और फिर मैंने भी सुबह सुबह इसको बहुत शौक़ से खाया ग्रीन टी के साथ। बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, सिंपल एंड माउथ वाटरिंग बना था ये बाइट्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये ब्रेड। आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको चॉकलेट ब्रेड बाइट पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सम न्यू बेकिंग या कुकिंग के साथ। तो जब तक के लिए ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, हमेशा खुश रहने का। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ये मिनी बंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इररेसिस्टिबल